अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. दिस इज़ अय्यूब अंसारी एंड वेलकम टू माय चैनल राइड टू जॉय. सो ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है जो हम करने वाले हैं बारवी डैम की तरफ. बारवी डैम अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, बारवी डैम यहाँ से बदलापुर में है, तकरीबन कोई 43-45 किलोमीटर कुछ है, जिसका एस्टिमेटेड टाइम है 1 घंटा 3 मिनट. अभी हम वो डैम पे जाएंगे एंड वहाँ की कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. मुझे नहीं लगता है कि हमको डैम पे जाने देंगे, बट आसपास में जो भी लेक वगैरह मैंने सर्च करी है, गूगल पे देखा है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, तो हम जाके शायद वो लेक को एक्सप्लोर करेंगे कुछ. आज का दिन अच्छा गुजरे, हमारा भी और हमारे सारे व्यूअर्स का भी. तो अभी हम भी निकल गए हैं घर से धीरे धीरे की तरफ, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें ट्रैफिक मिल गई है. ये ट्रैफिक ना बंदे को बड़ा फॉर करके रख देती है कसम से. सुबह सुबह कौन ट्रैफिक लगाता है. आज वैसे क्या है, आज आज का दिन भी रिकॉर्ड होता नहीं है. तो देख लीजिए तो कितना ही ट्रैफिक है यहाँ पर, कितना सुबह सुबह में. एक्चुअली मैंने 7:30 बजे निकलने का मेरा प्लान था, बट लेट होते होते आप देख सकते हैं 8:30 हो चुके हैं. 1 घंटा लेट हो चुका है मुझे सारी तैयारी वगैरह करने में. एक्चुअली मैं रात में ही करने वाला था तैयारी, बट रात में मैं किसी काम से बाहर चले गया, फिर वहाँ से घर पे आने में मुझे देर हो गई, फिर रात में सो गया. मैं बोला जो करना है कल सुबह उठ के करेंगे. यहाँ तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. तो अभी जी हम आ गए हैं मुमरा बाईपास पे. जैसे ये राइट साइड में मेरा मुमरा का पहाड़ और लेफ्ट साइड में मुमरा की आबादी. अभी मैंने अपने हेलमेट का वाइज़र बंद कर लिया है, सो आई होप यार के विंड ब्लास्ट थोड़ा और कम हो गया हो. वैसे मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना विंड ब्लास्ट अभी आ रहा है वीडियो में, कितना नहीं, वो तो जब मैं एडिट करने बैठूँगा तब मुझे पता चलेगा. बट फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा विंड ब्लास्ट हट जाए तो ही अच्छा है. एंड अभी जी कुछ 34 किलोमीटर बचा है हमारे डेस्टिनेशन से. 57 मिनट अराइवल दिखा रहा है, तो देखते हैं कितने मिनट में हम पहुंच जाते हैं. होप सो के बच गया हो, क्या ही बचा है यार, लग तो नहीं रहा कि कुछ बचा है. राइड पे निकलते ही यार एक बड़ा खर्चा आ गया. इतने बड़े बड़े रमलर बनाते हैं यार बेवकूफ़ कहीं के. मोबाइल गिर गया मेरा. होप्स हो के ग्लास टूटा हो, अगर स्क्रीन टूटी होगी तो फिर बड़ा मोटा खर्चा यार राइड के पहले ही दिन, पहले ही वीडियो में. चलो कोई नहीं, लगा तो यही रहा कि ग्लास ही गया है, बट अब देखते हैं पहुंच के ही देखेंगे क्या है क्या नहीं. तो थोड़ा नुकसान उठाने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ.
ठीक चलिए, बट कोई नहीं, अब जो होना था हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें, जाके ग्लास चेंज कर लेंगे और क्या। चाचा अभी यहाँ से बारवी डैम जी है 28 किलोमीटर, यहाँ पे 48 मिनट दिखा रहा है। अगर अच्छा खाली रोड दिखा तो मैं उसे 30 मिनट पे ले आऊँगा टाइमिंग, बट कोई खाली रोड मिल जाए। यहाँ पे बार बार ब्रेकर आ रहे हैं, क्या ही भगाऊँ मैं गाड़ी को। बीच में एक अच्छा पैच है मैंने देखा है, तो वहाँ हो सकता है मैं अपना टाइम थोड़ा सा कवर कर लूँगा, 5-10 मिनट थोड़ा बचा लूँगा। तो मुमरा से आके जी आपको लेना है ये सर्कल से लेफ़्ट, अगर आप सीधा जाओगे तो आपको पूना हाईवे मिलेगा, एंड लेफ़्ट लेके आपको मिलेगी पलावा सिटी। तो आपको लेफ़्ट लेना है यहाँ से बदलापुर रोड पे। सुबह सुबह राइड करने का यार मज़ा ही कुछ और है, मस्त ठंडी ठंडी हवा। और ये चेक करें जी मेरे राइट साइड में कितनी ट्रैफिक है, लोग अब रॉन्ग साइड से आना शुरू कर चुके हैं। अगर इतनी ट्रैफिक रही तो यार आते टाइम तो मैं खौर हो जाऊंगा पूरा, बंदा कैसे आएगा फिर। इतनी ट्रैफिक की वजह से यार लोग फिर रॉन्ग साइड से आना शुरू करते हैं और फिर किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। ये देखो तो उसको कह भी रहा है ट्रैफिक वाला कि भाई वहाँ से था, लेकिन सुन ही नहीं रहा वो उसकी, क्या करे अब, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो अभी हम जी हैं बदलापुर रोड पे, यहाँ से हमें 2.5 किलोमीटर तक स्ट्रेट चलना है, फिर उसके बाद कोई लेफ्ट टर्न है वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, उसके बाद जी कुछ 10 किलोमीटर ही बच जाते हैं तो वो जल्दी कवर हो जाएंगे। फिलहाल तो ये रोड बहुत ही प्यारा है यार, मतलब बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसको भगाने गाड़ी। तो ये हम जी आ गए हैं बारवी डैम के पास में, यहाँ से कुछ 60 मीटर, ये देखिए ये जो मेरे राइट साइड में है ये है जी बारवी डैम। चलिए ऊपर चल के आपको लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से जाने देंगे क्या, मुझे पता ही नहीं, मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ से जाना कहाँ है वो समझ नहीं आ रही। डैम तो यही है, तो जी पीछे गेट से आगे आके ऊपर चढ़ने पर ये आपको राइट साइड में जो डब्बा दिख रहा है ये सेकंड डब्बा है, इससे पहले एक और एक डब्बा पड़ता है ग्रीन कलर का राइट साइड में ही, पर आपको ये सेकंड डब्बा याद रखना है। सेकंड डब्बे के पास में आके यहीं से आपको जाना है आगे की तरफ। अब इससे आगे का रास्ता मुझे भी नहीं पता है, बट अब चल के देखते हैं कैसा क्या किधर पहुँचते। सो जी अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ट्रैकिंग करके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डब्बा है यहाँ से हम आए थे, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है,
अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग करके जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ से दो रास्ते आते हैं, एक ये राइट साइड में जा रहा है, एक ये हल्का सा लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो हम ये राइट साइड में चल के देखते हैं, यहाँ से 10 मिनट आई थिंक लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। चल के देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी यहाँ से भी दो रास्ते आ चुके हैं, एक यहाँ पे जा रहा है जिसका मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और एक यहाँ जा रहा है। तो चलिए यहीं पे चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा लेक का कुछ तो दिख रहा है, आई होप कि हमें मंजिल मिल जाए। तो अभी यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, चलिए भाई। यहाँ पे आई थिंक हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो यार कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या सीन है। सो फाइनली जी, फाइनली अभी मैं आ गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ मुझे आना था। एक्चुअली मेरी स्माइल से आप लोग शायद अंदाज़ा लगा लेके इतना जो मैं खुश हूँ किस लिए हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यार मैं बोल नहीं सकता, ये देख लीजिए, ये देखिए यार, मतलब ऐसे नज़ारों के लिए तो यार कुछ भी। वो वहाँ पे है जी डैम के दरवाज़े। मुझे नहीं पता उतना कि गोपरों में कैप्चर हो रहा होगा कि नहीं, बट वो जो आप देख रहे हैं वो हैं जी डैम के दरवाज़े, वहीं से आए हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। तो जी मैं रिटर्न से आ चुका हूँ अपनी बाइक के पास। तो इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, एंड वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, अगर कुछ सजेशन होगा मेरे लिए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद और भी बहुत सारे चैनल पे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द और भी बहुत सारे व्लॉग्स मैं लाने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।